ओश एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में तीन ऐसे एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि अगर आप अभी अभी दौड़ना शुरू किए हैं और आप ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते हैं, तो अगर आप इन एक्सरसाइज को हल्के हल्के और इजी तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आस्ते आस्ते करके आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इन एक्सरसाइज को वो भी कर सकते हैं जिनका रनिंग बहुत अच्छा है और अच्छी तरीके से और काफ़ी देर तक दौड़ सकते हैं, उनके लिए भी वो क्या करें अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए इन एक्सरसाइज को दौड़ने के बाद कर सकते हैं और फास्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्च स्टेप करना है, एक ही जगह पर दौड़ना है आपको काफ़ी इजी तरह से। इस प्रकार से आप एक जगह से कम 5 से 10 मिनट तक इस प्रकार से आप दौड़ लगाएं। ये इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है, इसको 2 से 3 मिनट तक करना है लगातार, आपको रुकना नहीं है। इसको बोलते हैं हाई नी अप्स। ये आपको थर्ड एक्सरसाइज करना है, वो क्या है, आपको अपने कमर पे हाथ रखना है या आप सर पे रख के इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं काल्फ रेज। ये जो काल्फ मसल है इसको स्ट्रेच करते हैं। इसको करेंगे तो आपको रनिंग के बाद दर्द पैरों में काफ़ी कम होगा, जो कि दर्द होता है आप लोगों को दौड़ने के बाद वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। या कमर पे रख के आप इस प्रकार से काल्फ रेज एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप इन एक्सरसाइज को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है एक्सरसाइज लाइब्रेरी। आप वहाँ पर जाकर हर एक एक्सरसाइज को डिटेल में सीख सकते हैं और किसी को देखने के बाद आप सिखा भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओश एवरीवन।